नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। डायरेक्टर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट से एक डेपुटेशन मिल के आया है, लगातार जम्मू कश्मीर के लिए काम करते थे, अब उसमें एक चीज़ और निकल के आई है, क्योंकि मोदी साहब ने ये कहा था कि कहीं ना कहीं जो अपना उद्योग है यानी कि अपना काम जो है आप अपने हाथों से जो करेंगे उसको यात्रा में भी दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर में भी कहीं ना कहीं वो आपको बिकता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इस बार जो अमरनाथ यात्रा ही उसमें इनके स्टॉल्स भी गायब हो गए, उसके अलावा भी ये लोग आज डायरेक्टर को मिल के आए हैं। पहली मैं जानने की इनसे कोशिश जरूर करूंगा। पहली सर आप अपना नाम बताएं। मैं चंद्रमण शर्मा हूं और बीजेपी में सबसे पुराना हूं। मेरे साथ बालकृष्ण कौल जी हैं, ये हमारे बीजेपी का जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेल है उसके संयोजक हैं, सह संयोजक भी हैं, बाकी लोग भी सारे एक्टिव हैं। तो जम्मू के बुनकर और जम्मू के शिल्पकार जो हैं उनके साथ लगातार अनदेखी हो रही है और ये बड़े मेहनती लोग हैं, लेकिन जो इनको मिलना चाहिए न्याय वो नहीं मिलता है। बहुत लंबी चौड़ी बात है, लेकिन आज हम जो डायरेक्टर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का जॉइंट डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर नहीं जॉइंट री डायरेक्टर हैं, उनसे बात की है। उन्होंने बड़े तहमल मिजाजी से बड़े आराम से हमारी बात सुनी है और मुझे उम्मीद है कि जो डिस्क्रिपेंसीज इनके साथ होती रही हैं वो दूर करेंगे और वो कर भी लेंगे। लेकिन खाली बात यहाँ तक नहीं रुकती। जो चीफ सेक्रेटरी हैं हमारे एलजी साहब हैं, उनके नोटिस में ही आपके माध्यम से बात लाना चाहता हूँ कि इन लोगों को क्यों पीछे इग्नोर किया जाता है, जम्मू वालों को हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट यहाँ भी बड़ा प्रफुल्लित हुआ है और भी हो सकता है। आज पूरे देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो ग्रुप हैं सबसे ज़्यादा किसान है, उसका दूसरा नंबर जो है वो शिल्पकार जो है हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। ये सरकार आपको रोकूंगा, माफ़ कीजिएगा, लोकल फॉर वोकल की बात की गई थी। अगर लोकल फॉर वोकल की बात की गई थी, जब ये लोग काम करते हैं, इनकी टीम काम करती है, पूरा साल मेहनत करते हैं, जब यात्रा में वो चीज़ ले जानी है उसके लिए बाहर के लोगों को स्टॉल्स दे दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं भेदभाव तो है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि भेदभाव है और ख़ास करके केंद्र सरकार की जो भी स्कीमें आती हैं जम्मू कश्मीर में ठीक तरीके से लागू नहीं होती। ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ा सेल है ऐसा जो मोदी जी की सरकार के हर स्कीम को सबोटाज करता है। मैं एलजी साहब से कहूँगा कि देखिए कौन लोग हैं जो लोगों तक स्कीमों का बेनिफिट नहीं पहुँचाने देते। जो इस बार जो हमारे यहाँ जम्मू यात्री भवन में अमरनाथ यात्रियों के लिए जो हर बार एग्जीबिशन लगती है, वहाँ पर जो लोकल हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का काम करने वाले कारीगर लोग हैं उनको पिछड़ा गया और पता नहीं कहाँ से कौन लोग यहाँ आ गए जिसके लिए कोई रिस्पांसिबल नहीं है। इसकी डिप्टी जो थी यहाँ की मैनेजमेंट वो डिप्टी कमिश्नर जम्मू के पास थी और डायरेक्टर टूरिज्म के साथ ही उनका लायजान था, लेकिन हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम वालों को इग्नोर किया गया। असली तो इनका राइट बनता है वहाँ जाने का। पूरा साल कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर यात्रियों के लिए जो भी एग्जीबिशन लगी है वो ये हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के लोग जा रहे हैं, यहाँ पे कैसे दूसरे इलाके से लोग लाए। तो हम इसके लिए फाइट करेंगे जब जितना भी होगा और जम्मू के बुनकर और शिल्पकार उनको पूरा न्याय देने के लिए हर हद तक जाएंगे। जम्मू के बुनकर और शिल्पकार, बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बोली। बालकृष्ण जी से पूछूंगा। बालकृष्ण जी, लगातार मैं ये देख रहा था, पिछली बार भी जब स्टॉल्स मिले थे बारिश आई थी, स्टॉल्स में पानी भर गया, नुकसान हो गया। इस बार तो स्टॉल ही नहीं मिले, पानी कहाँ से भरना था? इस बार जो स्टॉल हमारे निश्चित गवर्नमेंट ने किए थे वहाँ वहाँ के बोर्ड लगे हैं हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, मगर किनको दिए? कंपनी वालों को, जो जूते और ये सलाजीत पिकल्स बेचते थे। जो हैंडलूम वाले थे उनको वो स्टॉल नहीं मिल पाए क्योंकि टूरिज्म ने कहा हमने बेच दिए, हमने पहले भी कहा था उसने बेच दिए। इस यही सारी चीज़ें लेकर, क्योंकि सारा टूरिज्म जम्मू कश्मीर से होकर चला जाता है, चाहे अम्बरनाथ हो, मछील हो या वैष्णो देवी हो, क्योंकि पीछे जो मैं पिछले भी बात किया था आज वो बात भी डायरेक्टर से पूरी हुई है। जो 270 करोड़ शेयर के हिसाब से जम्मू कश्मीर 270 श्रीनगर को मिला था, 270 जम्मू को मिला था। मैं वो आपकी सोसाइटी की शॉप पर भी गया था जहाँ पर इतना माल पड़ा हुआ है, वो जो शॉप में माल पड़ा हुआ है वो कब बिकेगा, किस तरह बिकेगा? वो एग्जिबिशनें लगती थी तो हम बेचते थे और यात्रा होती थी। इस बार जम्मू में कोई एग्जिबिशन नहीं, लास्ट ईयर भी लगी थी, क्यों? ये इंडस्ट्रियल आईटीपी को दिया और एक डिपार्टमेंट उन्हें बढ़ा दिया और वो जो उसका जो चेयरमैन डायरेक्टर है उसका वो खालिद जहांगीर है, वो सिर्फ वो देखता है। जहांगीर कहाँ से है? वो श्रीनगर से है, वो वहाँ का ही देखता है। तो यहाँ का किसी को ना एग्जिबिशनों में भेजता है ना वो उस चीज़ का करता है। आज भी कश्मीर को बढ़ावा दिया जा रहा है? बिल्कुल बढ़ावा दिया जाता है। जो जम्मू का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो चीज़ें, लास्ट टाइम एक एग्जिबिशन लगी थी दिल्ली में जहाँ पर मनोज सिन्हा साहब ने ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ये कहा था कि बहुत आगे बढ़ गए हैं, उसमें भी कश्मीर को ही बढ़ावा दिया था, जम्मू का तो नाम नहीं। उसमें लगभग अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की बात करेंगे उसमें 350 स्टॉल
जेएनके को मिलता है, मगर जब मैं जम्मू प्रोविंस की बात मैंने गिने थे एक बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सबको, वहाँ तो सारा श्रीनगर का ही होता है, जम्मू का मात्र वो 5 या 10 स्टॉल होते थे। इस बार तो हमने बड़ी आपके थ्रू बड़ी मेहरबानी थी आपको डायरेक्टर साहब, उसमें इस बार उन्हें 5 स्टॉल हमारे जम्मू प्रोविंस के लिए बढ़ाए थे, हो गए थे 10। 10 में जब हम गए थे, जब हमने वहाँ एक कल्चरल प्रोग्राम भी, जब स्टेट वाइज वहाँ प्रोग्राम चौपाल पर होता है, तो वहाँ जब हम मनोज सिन्हा और ये चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे, तो वहाँ जब बढ़ावा हमने देखा है, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम था वो भी वहाँ का ही था, हो सकता है क्योंकि या तो उसको समझ नहीं आती जम्मू कश्मीर की सियासत, तो वहाँ उनको क्या प्रोजेक्ट दे जाते वो श्रीनगर का ले, ये सारा काम तो चीफ सेक्रेटरी का है ना। देखिए मनोज सिन्हा के नीचे चीफ सेक्रेटरी है, वो तो लोकल उनको तो पता। पहले जो होते थे वो डॉक्टर मेहता साहब थे, जब वो वहाँ, वो खुद भी वहाँ था स्टेज पर, हमने कोशिश की थी वो लाइव दिखाने के लिए, क्योंकि लोगों को पता लग जाए कि जम्मू जो वहाँ कल्चरल प्रोग्राम थे वो भी श्रीनगर के गाने वाले थे, जो पेविलियन में भी थे गाने वाले थे दिन भर, वो भी कश्मीर। देख लीजिए जम्मू के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किस तरह से होता है, और भी लोग हैं, इनसे बात करूंगा मैं। मुझे अपना नाम बताया जी, मेरा नाम अजय शर्मा है। जी मैम, क्या कहेंगी आज मिलके जो आए? आज हम जब मिलके आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमें डायरेक्टर साहब ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो भी आपके मुद्दे हैं इन पे मैं बड़ी ही गंभीरता से विमर्श करूंगा और इनको हल करूंगा। क्या लग रहा होगा कुछ सर? उन्होंने तो बोला है, अब आगे समय बताएगा इसका। चलिए आश्वासन दे दिए जाते हैं, अगर होता क्या है मैम से ही पूछता हूँ। मैम मुझे पहले अपना नाम बताइए, और आखिरकार कितने लोग आज डेपुटेशन में गए हुए थे? मेरा नाम तो सुरेष्टा खनमोत्रा है, और मैं गए थे, हम 10-20 लोग गए थे जी। तो कुछ आए भी नहीं है, गाड़ी की वजह से लेट पहुँचे हैं, गर्मी भी तो गर्मी भी है, और सर ने हमें तो बोला कि हो जाएगा, आप पहले कहाँ थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बोला है कि देखें अब क्या आगे से क्या होता है। रिस्पांस दे दिया गया है, मैंने पहले भी बताया एक सोसाइटी है, ये सोसाइटी ये सारा चला रही है, उस सोसाइटी में किस तरह से ये काम करते हैं, लोकल फॉर वोकल की बात की थी प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री साहब काम भी देते हैं, काम हो भी रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को इग्नोर करने वाले कहीं ना कहीं जम्मू के ही कुछ लोग हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शुभम कुमार है। शुभम जी, क्या परेशानी थी इस बार? तो स्टॉल भी नहीं मिले आपको? नहीं, स्टॉल तो बिल्कुल नहीं मिले, और वहाँ पे ऐसा एक कपल था जो सबसे लड़ता था, तो चलो मैं उसके साथ लेना देना नहीं, उन्होंने सबको भगाया। वो कहाँ से आया? वो पहले ब्लैक लिस्टेड है, हैंडक्राफ्ट हैंडलूम में ब्लैक लिस्टेड है वो, तो लेकिन वो कहाँ से स्टॉल लाते क्या करते वो हमें कहाँ से किसी को पता नहीं चला, और वो स्टॉल लगने से पहले घुसते वहाँ पे, और फिर वो जो वहाँ पे जो सोसाइटी बाल जी के साथ लड़ाई की, उनने मेरे साथ, हमने छोड़ दिया, हमने कहा नहीं हम लड़ नहीं सकते, आप बैठो आराम से। पूरा साल मेहनत करके कुछ भी नहीं, एंड पे कुछ भी नहीं मिलता। आज हम डायरेक्टर साहब से मिले, आश्वासन मिला, लेकिन एक आश्वासन मुझे नहीं मिला कि जो टूरिज्म है उसको कहाँ पता है कि हमारी सोसाइटी क्या है। वो कैसे डिसाइड करते किसको देंगे और किसको नहीं देंगे? जब दिल्ली में मनोज सिन्हा साहब बोले थे, क्या टूरिज्म डायरेक्टर को वहाँ बुलाया गया था? उनको बताया गया था कि इस तरह का अधिवेशन हो रहा है? नहीं, उनको बुलाया होगा, लेकिन उनको थोड़ी बोल गया जम्मू को हम नहीं बुला रहे हैं। जम्मू तो इग्नोर ही होता है हमेशा, हम तभी तो लड़ रहे थे सालों से, बोल रहे जम्मू को इग्नोर कर रहे हैं बार बार, तो जम्मू के लिए भी कुछ सोचो। तो वो पैसे तो बहुत आते हैं जम्मू के लिए, 250 करोड़, बहुत पैसा आता है जो हमारे पास नहीं पहुंचता, हमारी सोसाइटियों के पास नहीं पहुंचता। ये जो हमारी मैडम है इसका अभी पेंडिंग पैसा जो मिलता है वो इसको पेंडिंग है, 1-2 साल से नहीं मिल रहा है, फंड नहीं, तो ये फंड आके ज्यादा कहाँ पे पैसा मिलता है किसको है? काम अपनी तरफ से करते रहते लेकिन पैसा देने की बारी नहीं है। नहीं, वो उसके लिए पैसा नहीं है। जम्मू कश्मीर का जो काम हो रहा है, देखिए मैं पहले ही बता दूं, लगातार कहते ये हैं काम हो रहा। बाल जी आप इधर आइए, आप कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। इस बार उन्होंने और एक डिपार्टमेंट को, जो हमारा पैसा है वो इंडस्ट्री ट्रेड प्रमोशन को मिलता है, मिलना चाहिए था डायरेक्टर हैंडलूम को, जो हमको जानता है, जो एक सोसाइटी में 14 या 15 वीवर और आर्टिजन्स होते हैं जो काम करते हैं। एक सोसाइटी 3 या 4 मेंबरों की नहीं होती, 12-13 मेंबर। मैंने जब आपकी सोसाइटी की शॉप पर जब मैं गया था ना, तो मैंने देखा था हर एक वैरायटी थी वहां पर, और वो वैरायटी कश्मीर में नहीं हो सकता मिले, क्योंकि वो जम्मू की बनी हुई है, और वो जम्मू की वैरायटी अगर बाहर के यात्रियों तक ना पहुंची तो फिर फायदा क्या? ये बिल्कुल बदकिस्मती है, दुर्भाग्य है जम्मू में, चाहे जगटी हो चाहे ये हीरानगर हो, मैं वहाँ से भी माल है, बसोली से के शाल मेरा किसी से अट्रैक्ट, मैं बसोली के शाल बनवाता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक, और उसे माल करके यहाँ हम उनका जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का शो
शोरूम है वहाँ बेचते हैं, तो यहाँ हम एग्जीबिशनों में बेचते हैं। मुझे बताइए अगर डायरेक्ट कोई शोरूम में आना चाहे तो एड्रेस बताइए उसको। उसका 70B एक्सचेंज रोड अपोजिट BSNL के बिल्कुल एक्सचेंज के सामने। एक्सचेंज रोड के सामने इनका शोरूम है, क्योंकि मैंने वहाँ से खबर की थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जब वहाँ से खबर की थी, मैंने ये कहा था मैं कश्मीर में नहीं हूँ, मैं जम्मू में हूँ, क्योंकि ये सोसाइटी लगातार काम जम्मू के लोग जो काम करते हैं, लोकल फॉर वोकल की बात की गई थी, काम इनको दिया गया प्रधानमंत्री द्वारा, स्कीमें भी बहुत सी आई, 250 करोड़ भी आया, पर वो गया किसकी जेब में ये पता नहीं चल पाया। हो सकता है जी मनोज सिन्हा साहब को ये 25 पता ना हो, अगर पता है तो सर ये वीडियो देखिए जरूर, अगर उनके नीचे के लोग या उनके ऊपर के लोग कोई वीडियो देखते हैं तो इनका जो मसला है वो हल कीजिए, ताकि ये लोग पूरा यात्रा के ऊपर निर्भर थे और यात्रा में इस पर स्टॉल मिले नहीं। यात्रा के जो स्टॉल थे, जो पूरे साल की मेहनत थी, वो कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को दे दी गई। उसमें बैग बेचे गए, जूते बेचे गए, अपना रेनकोट बेचे गए, अचार बेचा गया, जबकि वो स्टॉल किसका था, हैंडलूम हैंडक्राफ्ट्स का, वो उनको मिला ही नहीं। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा हो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।